हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ, हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है, जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर, जी और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर। जी मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो जी बात करेंगे सर। हेलो, शिवम ये घटना बहुत बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं, और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जो भी दोषी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, क्या कुछ मांगे उनकी पूरी हुई, क्या कुछ आगे रहेगा? देखिए, फिलहाल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक सर से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई गई, उन्होंने अपनी मांग उन्हीं के सामने रखा। फिलहाल मांग जो है मैंने नहीं सुना था क्योंकि मैं लड़ा संभाल रहा था। उनकी जो भी मांगे हैं सर ने जो भी आश्वासन दिया उससे वो संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होने के बाद अपनी सहमति जताई कि बॉडीज को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने हैं। तो पोस्टमार्टम जो है पैनल सहित, वीडियोग्राफी सहित पोस्टमार्टम उनके परिजनों के सामने हो गया। आप लोग कुछ सहमत हुए? ब्रजेश पाठक से बात हुई है, वो दोनों लोगों को नौकरी और 1 करोड़ रुपया और ये ज़मीन का पट्टा और आवास। और कोई मांगे थी जिनको माना गया? और जो है गिरफ्तारियां, तुरंत गिरफ्तारियां होनी चाहिए। क्या कुछ गिरफ्तारी के लिए कोई डेडलाइन दी गई है? कितने दिनों में सबको गिरफ्तार किया? 4 दिन में कहा है ये IG ने, 4 दिन में कहा कि 4 दिन में सभी गिरफ्तार कर लेंगे। जो जो आश्वासन मिला है उसके बाद आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। जो मृतक उनके कौन है? हम उनके जो मृतक हैं उनके बड़े भाई हैं, मतलब वो हमारी लड़की है जो खत्म हुई है, वो बहू है। ये मतलब आश्वासन दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो मेरे साथ मतलब उन्होंने वादा किया है वो अगर पूरा करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट। आपने क्या बात कही? सीएम साहब से मिलवाना है आपको? आपने क्या बात कही सीएम साहब से? मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए, और जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में, या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है तुरंत कर करवाइए। उसके बाद जो हमारा हमें आवास दिलाइए और जमीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। उसके बाद पापा को पेंशन और हमारा राशन कार्ड दोनों। संतुष्ट है आप? जी। तो आप सबका पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार है उसके लिए आप तैयार? कल कार्रवाई हो रही है, शुरू हो जी। मैं चाहता हूँ सर, सम्मानजनक जो भी कार्रवाई करनी है वो परिवार के साथ मिलकर प्रशासन जो है मदद करते हुए, गांव वाले सब लोग हैं इनके परिवार वाले, जो भी है आगे कार्रवाई करती जाएगी, और जो भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ये करनी है कल से ही शुरू।